विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने कमल नौका रैली निकालकर बीजेपी के समर्थन में शक्ति दिखाने का काम किया है। यमुना नदी के रास्ते संगम वीआईपी घाट से कमल वोट रैली निकालकर लगभग 5 किलोमीटर के सफर बलुआ घाट पर समापन हुआ। कमल नौका रैली को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद केसरी देवी पटेल और क्षेत्र के विधायकों ने मिलकर विधि विधान के साथ पूजा आरती की और इसके बाद बीजेपी पार्टी का झंडा दिखाकर कमल वोट रैली को रवाना किया गया। लगभग हजारों की संख्या में नाविक वोट पर बीजेपी का झंडा लगाए रैली में निकल पड़े। निषाद समुदाय को अपनी ओर करने का भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी की ओर से निषाद समाज के सम्मान में पहली बार आयोजित हो रही नौका रैली को संबोधित करते हुए सिद्धार्थनाथ ने कहा कि एक कानून के तहत नामों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसे दोबारा चालू कर निषाद समुदाय को उनका हक दिलाने का काम किया है। नौका यात्रा का जो उद्देश्य है कि जो हमारे बीच फ्रीडम भाई समाज है, जिसमें मैं है, केवट है, निषाद है, सभी जो समाज के लोग हैं, उनके लिए सरकार की अन्य योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और उनको उसका लाभ मिले, इसके बारे में हम लोग का ये फ्रीडम एनआई के की जा रही है, जो कि यहाँ से वीआईपी घाट से शुरू होकर बलुआ घाट तक की जाएगी, जिसके लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारे साथ हमारी सांसद हैं केसी देवी पटेल जी, हम लोग के विधायक नवीन पटेल जी हैं, हम लोग के पापा के विधायक भी हैं और अन्य लोग रवि हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं राज्यसभा के सांसद वो पीयूष रंजन निषाद जी भी हैं और दीपक पटेल जी भी हैं। सभी लोग हम लोग ने मिल के यहाँ पे इसको हरी झंडी दी है और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है, जो हमारे मल्ला और केवट उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या उनकी ये थी कि जो एक कानून बना था उसके अंदर वेसल को बैंड किया गया था, वेसल का मतलब बोट को करके बैंड कर दिया था, जिसके तहत उन लोग अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी योगी जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई और मुझे उसको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके लिए हम लोग ने उसका समस्या सॉल्व कर दी है। जो अब जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के तहत परिवहन और मत्स्य पालन के लिए बोट का जो इस्तेमाल होता है वो अब हमारे मल्ला और केवट ये सब कर सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पहले भी नहीं था, मैं कुछ कन्फ्यूजन आया हुआ था जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा था, मगर वो कन्फ्यूजन अब दूर कर दिया गया। चुनावी माहौल है, अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली लेके सब निकले हैं। जिसको लगता है कि हमारा जो है दूसरी पार्टी में जाकर हमें शायद सीट मिल जाएगी, वैसे लोग जा रहे हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है चुनाव, न ही कोई व्यक्ति लड़ता है, और संगठन उसको चुनाव जिताती है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सत्ता में केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। सर, त्रिपुरा को लेकर राज्य की सरकार के ऊपर काफी दबाव दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पक्षपातपूर्ण राजनीति चल रही है। देखिए, त्रिपुरा के बारे में वहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग खड़े हुए हैं, मैं तो यूपी सरकार का प्रवक्ता हूँ, तो यहीं तक ही सीमित रखें बात। अच्छा, रैली का नेतृत्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद कर रहे थे। अभी तक प्रदेश में कार, बस, बाइक, साइकिल व पैदल रैली का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन पहली बार निषाद समाज के द्वारा भव्य रूप से यमुना नदी में नौका रैली का आयोजन किया गया है। इस कमल नौका रैली में हजारों लोग सैकड़ों नाकोवों के साथ नौका रैली में शामिल हुए। जन की आवाज बनकर चारों ओर छा जाएंगे,
होगी किसकी जीत ये आपको बतलाएंगे। और 24 न्यूज जल्द लेकर आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर एक खास कार्यक्रम जनता की आवाज। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।